आज हम देखेंगे कि एड टू स्विच कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये फ्यूज निकालेंगे। सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है। फ्यूज निकालने के बाद ये देखेंगे, ये एड टू स्विच, इसमें सिंपली क्या रहता है, आर ए वाई बी, ये तीन वायर रहते हैं जो कि ऊपर की साइड की तरफ जाते हैं, इस ऊपर वाली साइड की तरफ जाते हैं। और बाकी के जो है पी टू पी थ्री पी थ्री और पी फोर, ये पी थ्री पी थ्री एक हो जाते हैं और बाकी बचे दो। इसमें क्या है, पी वन पी टू पी थ्री और पी फोर, सिंपल फंडा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले हम आर में वायर लगाएंगे। आर कलर कोड कोई मायने नहीं रहता। सबसे पहले हम रेड वायर लगाएंगे। ये देखिए हमने तीन वायर जोड़ लिए ऊपर के साइड के साइड तरफ। अब हम पी टू पी थ्री पी थ्री और पी फोर, पी थ्री पी थ्री मतलब ये दो ग्रीन कलर है, ये दोनों वायर एक करेंगे, एक करके ये दोनों वायर पी थ्री में जोड़ेंगे, पी वन पी टू और पी थ्री। अब हम इसमें जोड़ेंगे। ये जोड़ दिया इसमें। अब बाकी रह गया है पी फोर, पी फोर मतलब ये चार नंबर वाला। अब ये हम इसमें जोड़ेंगे पी फोर में। पी फोर में जोड़ दिया। अब पी टू का वायर बचा, पी टू का वायर पी टू में जोड़ेंगे, व्हाइट वाला। और इसे निकाल देंगे। ये मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए लिंक रहता है। ये हो गए सब कनेक्शन, स्विच कनेक्शन। ये तीन ऊपर गए और ये चार नीचे, तीन इस साइड एक इस साइड, पी टू में एक, पी थ्री में दो और पी फोर में ये ब्लैक। एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज एकदम बराबर है, 400 450 400। और एक एक एड स्विच 2 मिनट लेता है, कोई 3 मिनट कोई 5 मिनट, अपना अपना हिसाब रहता है एड स्विच का, हर कंपनी का अलग रहता है। थोड़ी देर रुकेंगे फिर देखेंगे। ये देखिए चालू हो गई अब मोटर।